हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षक तैयारी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का क्लास है आपका सेकेंड सेमेस्टर के लिए, और ये है आपका पेपर, आपका है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। ठीक है, आपका पेपर का नाम है, आपका पेपर का नाम है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, जो आपका है पेपर टू है। ठीक है, इसका मैंने डिस्कस किया था आपका सिलेबस, और ये आपके 50 मार्क्स के हैं, 50 नंबर के। ठीक है, इसके पहले मैंने इसका सिलेबस डिस्कस किया था, क्या क्या पढ़ना है, और ये आपका बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि इसमें आपके सी टेट, यूपी टेट या सुपर टेट में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि ये शिक्षा से संबंधित है, और इसमें शिक्षा से संबंधित अधिकार बताए जाते हैं आपके, और कुछ इसमें आर्टिकल आते हैं, अनुच्छेद आते हैं जो संविधान से दिए गए हैं, बच्चों के अधिकार से रिलेटेड कुछ अनुच्छेद हैं, तो उसे पढ़ना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, और इसमें पहला चैप्टर पढ़ेंगे हम, प्रारंभिक शिक्षा हेतु प्रावधान एवं प्रतिबद्धताएं। मतलब कि जो भी प्रारंभिक शिक्षा है आपकी, प्रारंभिक शिक्षा मतलब आप 1 to 5 और 6 to 8 कह सकते हैं, तो इसमें इनके लिए क्या क्या प्रावधान किए गए हैं हमारे संविधान में, और इनको क्या क्या अधिकार दिए गए हैं, शिक्षा से संबंधित अधिकार हमको क्या क्या प्राप्त हैं, और किस अनुच्छेद में कौन से अधिकार दिए गए हैं, ये जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं, इसमें हम पढ़ने वाले हैं शिक्षा से संबंधित स्तुतियाँ, मतलब किस आर्टिकल में कौन सा अधिकार आपको दिया गया शिक्षा से संबंधित। तो सबसे पहले आपका आर्टिकल अनुच्छेद जो 14 है, जो हमारे संविधान का अनुच्छेद 14 है, उसमें आपको बताया गया है कि विधि के समक्ष समानता। विधि मतलब कानून, मतलब कि अदालत, मतलब कहने का मतलब ये है कि कानून के सामने सब बराबर हैं। आर्टिकल आपका अनुच्छेद 14 कहता है कि सभी लोग भारत में रहने वाले जितने भी लोग हैं सब बराबर, आपके सबके साथ बराबर व्यवहार किया जाता है, जो आपके कानून के समक्ष होते हैं। तो वही देखते हैं क्या कहता है। इसका अभिप्राय है कि राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा तथा उन पर एक समान ढंग से लागू करेगा। मतलब जो भी कानून बनाया जाएगा वो सभी व्यक्तियों के लिए इक्वल लागू होगा, ये नहीं कि कुछ व्यक्ति पे होगा, कुछ व्यक्ति पे नहीं होगा, तो समान ढंग से समान ये आपका लागू करेगा, आपका अनुच्छेद जो है 14 कहता है। ठीक है, संविधान का अनुच्छेद 14 कहता है कि विधि के समक्ष सभी लोग बराबर हैं, मतलब कानून के नज़र में सब बराबर होते हैं। ठीक है, और आपका एक अनुच्छेद 16 है, ये क्या कहता है, ये बताता है आपके लोक नियोजन के विषय में अवसर, मतलब लोक नियोजन में सबको समान अवसर दिए जाते हैं, समान अवसर की आपकी समानता होती है, मतलब किसी नियोजन या पद से संबंध, कोई भी पद है आपका, ठीक है, तो उसमें सबके लिए इक्वल मतलब प्रायोरिटी दिया जाएगा, ये नहीं कि आपके आपको आपके पास ज़्यादा पैसा है, या आपका ज़्यादा ऊंचा आपका धर्म है या वंश है या जाति लिंग है, तो आपको ज़्यादा छूट दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। तो पद के संबंध में केवल धर्म, मूल, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान, निवास या उनमें से किसी के आधार पर न तो कोई नागरिक अपात्र होगा। अपात्र मतलब कि ऐसा नहीं है कि आप उसके साथ आप दुर्व्यवहार करेंगे, मूल उसके वंश के आधार पर या जाति के आधार पर या धर्म के आधार पर ऐसा नहीं किया जाएगा। ठीक है, मतलब सबको लोक नियोजन के अवसर दिए जाएंगे समान रूप से, यह अनुच्छेद आपका 16 कहता है। ठीक है, इनमें से किसी के आधार पर न तो कोई नागरिक अपात्र होगा, न ही उससे विभेद या भेदभाव किया जाएगा। ठीक है, आपका अनुच्छेद 16 कहता है। ठीक है, अब देखिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कई बार पूछा है एग्जाम में, ये सी टेट हो गया, यूपी टेट हो गया, आपका सुपर टेट हो गया, उसमें पूछा है, जो आपका अनुच्छेद 21 आपका क कह सकते हैं या ए कह सकते हैं, जो इसमें आपका दिया गया है 86 संशोधन अधिनियम 2002, मतलब ये आपका जोड़ा गया था 86वां संशोधन 2002 द्वारा, अनुच्छेद 21(1) को जोड़ा गया था हमारे संविधान में। ये क्या कहता है अनुच्छेद 21(1) द्वारा, आपके जितने भी 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको ना निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। ठीक है, मतलब आपका अनुच्छेद जो 21(a) है, ये कहता है कि
सभी बच्चे जो हैं जिसका एज आपका 6 से 14 वर्ष का है, भारत में जितने भी बच्चे हैं उनको क्या किया जाएगा, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान किया जाएगा। ठीक है, ये हमारा संविधान कहता है। ठीक है, हमको ये अधिकार है हमारा कि जो भी 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको फ्री में शिक्षा दिया जाए। ठीक है, और अनिवार्य रूप से दिया जाए। तो ये आपका पूछता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को फ्री शिक्षा किस अनुच्छेद के तहत देते हैं संविधान के, तो आपका 21A हो जाएगा। ठीक है, या 21 क भी लिख सकता है। और दूसरा क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि ये जो आपका अधिकार है 21A, ये कब संविधान में हमारा जोड़ा गया, हमको कब ये दिया गया, तो 21वां संशोधन 2002 में। ठीक है, मतलब ये हमको 2002 से प्राप्त है। ठीक है, 21वां नहीं, 86वां संशोधन। ठीक है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया है और आपके इसमें भी सेमेस्टर वाले एग्जाम में भी आते हैं, तो याद रखिएगा। और अनुच्छेद आपका 28 है, ये क्या कहता है, राज्य पोषित शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या उपासना का निषेध। आपका राज्य पोषित मतलब जो राज्य आपका देखता है शिक्षा से, जो शिक्षा से संबंधित जो भी कार्य हैं और जो आपके राज्य देखता है, केंद्र नहीं राज्य देखता है, उससे संबंधित शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या उपासना का निषेध है। ठीक है, मतलब आप उसमें धार्मिक शिक्षा और आप उपासना का शिक्षा नहीं देंगे, निषेध कर रहा है ये आर्टिकल आपके 28 के तहत, जो आपके स्टेट में के अंतर्गत जो भी विद्यालय आते हैं। नेक्स्ट है नागरिकों को शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश का अधिकार, मतलब कि जो भी नागरिक हैं वो किसी भी शिक्षा संस्थान में वो उनका अधिकार दिया जाता है कि वो प्रवेश ले सकते हैं, उनको उनके जाति लिंग आधार पर उनको ऐसा नहीं है कि नहीं दिया जाएगा, कोई भी है सब समान रूप से ले सकते हैं। ये आर्टिकल आपका अनुच्छेद 29 आपका बी कह सकते हैं, 29(2) के तहत ये आपको अधिकार दिया जाता है। और जितने भी आपके अल्पसंख्यक की शिक्षा है, अल्पसंख्यक ST SC वगैरह आ जाते हैं आपके, ये आपके अनुच्छेद 30 के तहत इनको शिक्षा का अधिकार है। ठीक है, और हिंदी भाषा का प्रसार प्रचार, जो भी हमारी हिंदी भाषा है उसका हम प्रचार और प्रसार कर सकते हैं, आपका अनुच्छेद 351 के तहत। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा है ये वाला, इसको याद रखिएगा और आप इसको याद रखिएगा, अनुच्छेद आपका 21 का ये बहुत बार पूछते, ये मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत बार पूछा तो इसको याद रखिएगा, और दूसरा नंबर आप इसको हिंदी का पूछता है आपका, इसको याद रखिएगा। अब जानेंगे बाल अधिकार क्या है। ठीक है, बच्चों का अधिकार। ठीक है, एक तो पढ़ लिए हम 21 का A या आपका 1, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा पाने का अधिकार है हमारे केंद्र सरकार द्वारा, तो ऐसे वो पहला तो वो था, और भी बाल अधिकार हैं जानेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे इसकी भूमिका है क्या। तो बच्चों के अधिकारों की घोषणा संयुक्त राष्ट्र संघ ने 20 नवंबर 1989 को की थी। तो सबसे पहले यही पूछ लेता है आपका कि जो बाल अधिकार है ये आपको प्राप्त है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा, और इसकी घोषणा की गई थी 20 नवंबर 1989। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय संविधान की धारा 25 में कहा गया है कि सरकार संविधान लागू होने के 10 वर्ष के अंदर 6 से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बालक तथा बालिकाओं के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करेगा। ठीक है, तो धारा संविधान में आपका अनुच्छेद होते हैं, धारा होता है, भाग होता है, तो जो आपका धारा 25 है उसमें कहा गया है कि जो भी आपकी सरकार है, अगर आपका संविधान हमारा 1950 में लागू हो गया था, तो उसके 10 वर्ष के अंदर ही जो भी आपके 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको क्या करेंगे, अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा देने की व्यवस्था किया गया है। ठीक है, और देखिए भारत सरकार ने बाल अधिकारों की घोषणा 20 नवंबर 1989 को किया था, और तथा 11 दिसंबर 1992 को अंगीकृत किया था। ठीक है, इस दिन तो घोषणा किया उसने कि जो भी बच्चों के बाल अधिकार जो हैं क्या क्या है उनको, ये घोषणा इस दिन किया, अपना लिया मतलब लागू कर दिया आपका 1992 से। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बाल अधिकार का उद्देश्य, मतलब बाल बालकों को अधिकार दिया गया है उसका उद्देश्य क्या है ये जानते हैं। तो बालकों को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा, ठीक है, प्रस्तावित अधिकारों की जानकारी देना,
मतलब कि जो भी आपके संयुक्त राष्ट्र संघ बताया है कि बच्चों के क्या क्या अधिकार होते हैं उनकी जानकारी देने का देना है। नेक्स्ट, भारत सरकार द्वारा बच्चों के कल्याण के लिए किए गए प्रयासों से अवगत कराना, इसका उद्देश्य क्या क्या वो मतलब प्रयास कराया है आपका संयुक्त राष्ट्र संघ वो कराना। और नेक्स्ट है आपका, भारत सरकार द्वारा बच्चों के कल्याण के लिए किए गए प्रयास से अवगत कराना, उन्हें जीवन जीने का अधिकार, अच्छा खाने का अधिकार, अच्छा स्वास्थ्य का अधिकार मतलब बच्चों के लिए है। अब इनके बाल अधिकार से संबंधित प्रमुख बिंदु क्या क्या है, मतलब क्या क्या अधिकार उनको प्राप्त है बच्चों को। तो पहला है, बालकों के अपहरण, क्रय विक्रय एवं व्यापार को रोकने के लिए राष्ट्र द्वारा कानून बनाया जाएगा। जैसे कि बहुत लोग होते हैं बच्चों का अपहरण कर लेते हैं, मतलब किडनैप कर लेते हैं, फिर क्रय विक्रय मतलब बच्चों को खरीदना बेचना, बहुत लोग बच्चों को बेच देते हैं, ठीक है, खरीदते भी हैं, उनसे काम कराते हैं बहुत सारे, तो उसको रोकने के लिए कानून बनाया जाएगा, ठीक है, बनाना, ये उनके अधिकार हैं। फिर दूसरा है, माता पिता एवं उनके देखभाल के लिए उत्तरदायी व्यक्ति के दुर्व्यवहार करने पर बालों को राष्ट्र द्वारा संरक्षण दिया जाएगा, मतलब राष्ट्र मतलब देश द्वारा, अगर माता पिता अपने बच्चों के साथ मतलब अच्छे से व्यवहार नहीं करते हैं, उनकी देखभाल नहीं करते हैं, तो ये आपका राष्ट्र जो है हमारा है वो संरक्षण देगा, ये अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट, बच्चों को आर्थिक शोषण, खतरनाक कार्यों को करने तथा शारीरिक, मानसिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक दृष्टि से होने वाली हानि से बचाना। बच्चों को उनसे जो आर्थिक शोषण होता है, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको कारखानों में काम पे लगा दिया जाता है, उनसे खतरनाक काम कराए जाते हैं, ठीक है, तो उनके अंदर जो नैतिक विकास और आध्यात्मिक विकास से होने वाले जो भी उनके अंदर हानियां होती है उससे बचाना, ठीक है, ये आपका अधिकार होता है बच्चों का। फिर दिया है आपके, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शिक्षा के सार्वजनिकरण हेतु बाल अधिकारों की घोषणा, मतलब कि जो यूपी है आपका उत्तर प्रदेश, उसने क्या क्या बाल अधिकार की घोषणा की है, तो इसमें ये भी इनमें आ जाता है, ये भी 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेगा, ठीक है, करता है यूपी। और क्या है, कक्षा 1 से 8 के सभी बच्चों को निःशुल्क पाठ्यक्रम एवं पुस्तक उपलब्ध कराता है, 1 से 8 तक के बच्चों को भी निःशुल्क पाठ्यक्रम एवं पुस्तक उपलब्ध कराता है। नेक्स्ट है आपका, प्राथमिक विद्यालय में सभी बच्चों को प्रतिदिन आपका मध्याह्न भोजन की व्यवस्था करता है, मतलब जो प्राइमरी स्कूल में आपने देखा होगा कि बच्चों को खाना खिलाया जाता है, तो इसकी व्यवस्था करता है आपका। दूसरा है, अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के बालकों बालिकाओं के लिए आपके 1 से 5 तक 300 रुपये और 6 से 8 तक आपके 480 रुपये आपकी वार्षिक छात्रवृत्ति की व्यवस्था करता है, ठीक है, आपकी वार्षिक छात्रवृत्ति दी जाती है। नेक्स्ट है आपका, राष्ट्रीय बाल नीति, बाल मतलब बच्चों के लिए जो राष्ट्रीय नीति है उसके बारे में जानते हैं। तो बच्चों के कल्याण के लिए भारत सरकार ने 22 अगस्त 1947 को राष्ट्रीय बाल नीति की घोषणा की थी। राष्ट्रीय बाल नीति के अंतर्गत बच्चों के शारीरिक, मानसिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक विकास के लिए निम्न रणनीतियां बताई हैं, मतलब राष्ट्रीय बाल नीति के अंतर्गत सरकार क्या क्या करेगी वो चीज़ों बताया गया है। तो सबसे पहले ये पूछ लेगा, राष्ट्रीय बाल नीति की मतलब की घोषणा कब की गई थी, तो 22 अगस्त 1947 को की गई थी। इसमें क्या क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है, बालक जब तक जीवन यापन में सक्षम न हो जाए उन्हें माता पिता से अलग नहीं किया जाना चाहिए, मतलब जो पेरेंट्स होते हैं बच्चों को अलग खुद से नहीं कर पाएंगे जब तक वो अपने अपने पैरों पर खड़े न हो जाए, ठीक है। दूसरा है, 6 से 14 वर्ष की आयु के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए राज्यों को समयबद्ध कार्यक्रम तैयार करना चाहिए, मतलब जितने भी राज्य हैं उनमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य और आपके निःशुल्क शिक्षा देने चाहिए। और है आपके, बालकों में पोषक तत्वों की कमी हो दूर करने के लिए राज्य द्वारा पोषाहार कार्यक्रम चलाया जाना चाहिए, मतलब कि पोषक तत्व मतलब जो बच्चों के शरीर में कमी चीज़ें, जैसे प्रोटीन की कमी हो गई, विटामिन हो गए, इनको दूर करने के लिए जो पोषाहार कार्यक्रम होता है केंद्र जो राज्य सरकार है वो चलाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, बाल अधिकारों के संरक्षण से संबंधित संवैधानिक प्रावधान, जो संवैधानिक मतलब संविधान में हमारा है,
कौन कौन से अधिकार हैं संरक्षण बाल अधिकारों के। तो सबसे पहले अनुच्छेद जो 23 है इसमें क्या कहा गया है, स्त्री एवं बच्चों के क्रय विक्रय उनका अनैतिकरण व्यवहार दंडनीय अपराध है। मतलब अगर किसी स्त्री का, किसी महिला का या किसी बच्चों का आप क्रय विक्रय करते हैं, मतलब खरीदते और बेचते हैं, तो ये आपका कानूनी अपराध है। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 23 कहता है, ठीक है, कि आप बच्चों को बेच नहीं सकते, महिलाओं को बेच नहीं सकते हैं, ये आपका अपराध है। नेक्स्ट है जो अनुच्छेद 24 है, इसमें क्या किया गया है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा है ये वाला भी। 21 ए याद रखिएगा, अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा बच्चों को किस अनुच्छेद में दिया गया है, और दूसरा ये याद रखिएगा आपका कि 24 अनुच्छेद में क्या कहा गया है। तो जो 24 अनुच्छेद इसमें कहा गया है, बच्चों को कारखानों या जोखिम वाले कार्यों में लगाना भी दंडनीय अपराध है। मतलब आप बच्चों से कारखानों में काम नहीं करा सकते हैं, इसके लिए आपको दंड दिया जाएगा। तो 24 आर्टिकल याद रखिएगा, और आर्टिकल जो आपका 21 ए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और इसमें आपका, इसको तो बताया था ही, 2002 के 21 86वें संशोधन में आपका जो 21 ए है आर्टिकल, वो जोड़ा गया था, जो खंड 3 में आता है। इसके अंतर्गत आपको 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का प्रावधान है, ये बताया गया था, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, अनुच्छेद 21 मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और अनुच्छेद आपका 24 भी, जिसमें हम बच्चों में अनुच्छेद 24 में क्या करते हैं, बच्चों को कारखानों में काम नहीं कराते हैं, नहीं तो आपको क्या किया जाएगा, आप दंड दिया जाएगा। नेक्स्ट है आपका निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम। तो इसमें आपका आर्टिकल 29 है, ये क्या कहता है, ये कहता है 29 2 कहता है, इस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य द्वारा पोषित या राज्य से सहायता प्राप्त होने वाली किसी संस्था में किसी नागरिक के धर्म, जाति, भाषा इत्यादि के आधार पर प्रवेश के लिए रोका नहीं जाएगा। तो मैंने इसको पहले ही बताया था कि अनुच्छेद जो 29 B है, बी या 2 है, वो कहता है कि जो भी राज्य द्वारा जो भी पोषित है, मतलब जो जो शिक्षा केंद्र जो राज्य देखता है, उसमें किसी को भी मतलब उसके धर्म, जाति या भाषा के आधार पर उसको प्रवेश से नहीं रोकेंगे। ठीक है, सबको प्रवेश दिया जाएगा। नेक्स्ट आपका टॉपिक है शिक्षा का सार्वभौमिकरण। इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब देखिए क्या है, तो संविधान के धारा 29 2 में सार्वभौमिक शिक्षा व्यवस्था की गई है। धारा 29 2 में कहा गया है कि राज्य सरकार द्वारा संचालित या सहायता प्राप्त किसी भी शिक्षा संस्था में किसी भी व्यक्ति को धर्म, जाति, रंग या भाषा के आधार पर प्रवेश देने के लिए मना नहीं किया जाएगा। मतलब शिक्षा का सार्वभौमिक मतलब होता है शिक्षा सबके लिए, ठीक है, सबके लिए है, आप किसी को रोक नहीं सकते हैं उसके लिंग, जाति, उसके धर्म के आधार पर। यही आपका होता है 29 धारा 29 B में जो कहा गया है, या 29 2 में कहा गया है, ठीक है, वही होता है शिक्षा का सार्वभौमिकरण। अब देखिए भारत में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की उन्नति के मार्ग में मुख्य कठिनाई निम्न है। मतलब कि जो आपका निःशुल्क शिक्षा दिया जाता है बच्चों को, उसमें कुछ कठिनाइयाँ भी आती हैं, वो क्या क्या है। तो जैसे पहला कठिनाई ये है कि शासन की कमजोर नीति, जो भी आपकी शासन नीति बनाती है, नियम बनाता है, तो नियम कमजोर होना आपका हो सकता है। दूसरा है राजनीतिक कठिनाइयाँ हो सकती हैं। तीसरा है आपका शिक्षकों का अभाव, ठीक है, अगर शिक्षक ही कम रहेंगे तो बच्चों को कैसे शिक्षा देंगे। तो ये आपके कुछ कठिनाइयाँ आती हैं आपके जो निःशुल्क आपके अनिवार्य रूप से शिक्षा देने में कठिनाई पड़ती है। आपका नेक्स्ट है प्राइमरी स्कूलों के प्रबंधन तंत्र में एक रूपीय नीति का अभाव होना। मतलब कि अलग अलग हर जगह अलग अलग नियम का संचालन होना, ये भी हो सकता है। और प्राथमिक शिक्षा का गुणात्मक स्वरूप, ठीक है, मतलब कि जो प्राथमिक शिक्षा है उसमें गुणात्मक स्वरूप ना होना, वो भी आपका हो सकता है इसका आपका कारण। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे गए हैं, सेमेस्टर वाले एग्जाम में ही, सेकंड वाले में क्या है, आपको अंदर पूछ देगा कि जो नैतिक शिक्षा होती है बच्चों में कैसे आप मतलब डेवलप करेंगे बच्चों के अंदर, ये पूछेगा। तो विद्यालय में पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से नैतिक शिक्षा देनी चाहिए, ताकि उनके अंदर यह भाव उत्पन्न हो सके कि सभी धर्मों का आदर एवं सम्मान करना चाहिए। मतलब कि बच्चों के अंदर नैतिक शिक्षा देने के लिए जो उनके पाठ्य पुस्तक हैं उसमें जो भी आपके कहानी है उसके माध्यम से बच्चों के अंदर आदर का भाव मतलब
भरना चाहिए, सभी धर्मों को रिस्पेक्ट करने का वो मतलब शिक्षा देनी चाहिए। इससे उनके क्या होगा, अंदर नैतिक विकास आएगा। नेक्स्ट है भारत के एक पथ निरपेक्ष राष्ट्र की घोषणा उल्लेखनीय संविधान के 42 संशोधन में किया गया है। ठीक है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन याद रखिएगा। अब देखिए समवर्ती सूची में दिए गए विषय पर नीति एवं कानून बनाने का अधिकार केंद्र एवं राज्य सरकार को है। तो आपको समवर्ती सूची संविधान में 3 बताई गई है, सूची जो है 3 बताई गई है। एक होता है राज्य सूची, फिर एक होता है आपका केंद्र सूची, एक होता है आपका समवर्ती सूची। तो केंद्र को हम संघ सूची भी कहते हैं। तो वहाँ पे कानून बस आपका केंद्र बनाता है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट। और जो आपकी राज्य सूची होती है उसमें बस आपका स्टेट गवर्नमेंट आपका कानून बनाता है। लेकिन जो समवर्ती सूची होती है उसमें दोनों मिलकर बनाते हैं कानून। तो यही कहा गया है कि केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों कानून मिलकर बनाते हैं आपके समवर्ती सूची में। नेक्स्ट देखिए भारत में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की उन्नति में मुख्य कठिनाइयाँ कौन कौन सी कठिनाइयाँ होती हैं निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने में। तो पहली बात तो सुविधाओं की सार्वभौमिकता का अभाव, मतलब सभी जगह सुविधाएं ना होना। और दूसरा है आपका नामांकन की सार्वभौमिकता का अभाव, मतलब नामांकन मतलब बच्चों का सभी बच्चों का एडमिशन ना हो पाना। शिक्षा को बीच में छोड़ने की सार्वभौमिकता, मतलब बहुत सारे बच्चे जो होते हैं बीच में ही मतलब स्कूल को छोड़ देते हैं, ये भी होती है आपकी कठिनाइयाँ के अंतर्गत। और स्वतंत्रता के समय भारत की साक्षरता 14.14% थी, जो बढ़कर लगभग 74% हो गई। मतलब स्वतंत्रता के समय भारत की जो साक्षरता थी बस 14% थी, ठीक है, जो बढ़कर लगभग 74, अभी आपकी कितनी हो गई है, 74% हो गई है। लेकिन जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस टाइम बस आपका 14% ही इंडिया साक्षर था, कह रहा है। और फिर से यहाँ दिया गया है शिक्षा के सार्वभौमिकरण का क्या आशय है। तो सार्वभौमिकरण का ही मतलब होता है कि शिक्षा को हर जगह तक पहुँचा दिया जाए, जो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा है। तो इसमें देखते हैं क्या है, शिक्षा का जनिकरण या लोकव्यापीकरण या सार्वभौमिकरण, ये तीनों एक ही है, कुछ भी लिख दें, का शाब्दिक अर्थ है शिक्षा का किसी निश्चित स्तर तक सभी लोगों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क रूप से उपलब्ध कराना, मतलब सबके लिए शिक्षा उपलब्ध कराना। संयुक्त राष्ट्र संघ ने बालकों के अधिकार की घोषणा, ये आपको ऊपर पढ़ाया गया है, 1989 में की थी, ठीक है, 20 नवंबर 1989 में की थी। इस घोषणा का मूल उद्देश्य विश्व के समस्त बालकों हेतु मूलभूत मानवीय अधिकारों को सुनिश्चित करना था, ठीक है। तो ये था आपका आज का क्लास। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये आपका बहुत इम्पोर्टेंट क्लास था, जहाँ से आप क्वेश्चन डायरेक्ट आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी आते हैं। तो अच्छे से पढ़िए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये आपके सारे जितने भी आपके अभी लेक्चर दिए गए हैं इसके सारे PDF इस पे टेलीग्राम लिंक प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, जो है आपका @DLEDstudyclasses, ठीक है, ये आपका लिंक है, इस पे प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। ओके, थैंक यू।